कोलकाता रेप मर्डर कांड में आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के से तीसरे दिन पूछताछ, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंचे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से दोनों दिन मिलाकर अब तक 25 घंटे पूछताछ हुई, शुक्रवार को 15 घंटे हुए सवाल जवाब। कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आज, संजय रॉय के लिए टेस्ट के लिए दिल्ली से सीएफएसएल की टीम पहुंची कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पड़ी एक डायरी को सीबीआई को सौंपा, फटे हुए पन्नों की भी होगी जांच। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू, 7 दिनों के लिए 163 धारा लगा दी गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुंबई में आज बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा की मांग की गई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज नहीं होगी डॉक्टर की हड़ताल, रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर लौटेंगे लेकिन मार्च निकालेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों और छात्रों का प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले की में न्याय की मांग की है। कोलकाता की घटना के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सड़क पर उतरे। देश में हो रहे प्रदर्शनों पर गृह मंत्रालय सख्त, हर 2 घंटे में लेगी रिपोर्ट। आईएमए ने कोलकाता रेप कांड को लेकर पीएम को लिखा खत, डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुविधाओं को की मांग की। आईएमए ने सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल को हवाई अड्डे जैसा करने की मांग की। कोलकाता की वारदात के समय सीमा में पेशेवर जांच करने और मुआवजा देने की भी मांग की। कोलकाता रेप केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी, सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बनाए लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आशा देवी ने कहा अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना को बताया बर्बरतापूर्ण, गहन जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा महिलाओं का दुख दर्द बखूबी समझती हैं सीएम ममता। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अखिलेश के ममता के बचाव पर साधा निशाना, कहा ममता को दर्द होता तो बहुत पहले हालात संभाल लेती। कोलकाता रेप केस पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बंगाल पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की, भरोसा है कि सीबीआई आरोपियों को पकड़ लेगी और उन्हें कड़ी सजा दिलवाएगी।